अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुसव्विर पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं। शेख बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के चेयरमैन चौधरी इसरार खान और मरकजी सदर सैयद जाकिर शाह अफरीदी की मशावरत से डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के ज़ेर एहतमाम बसिलसिला ईद मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी गुलाम मुस्तफ़ा कादरी मरकजी डिप्टी तर्जुमान और राना फुरकान पंजाब नायब सदर शामिल हुए। मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक और नात हमदो सना से हुआ, जिसके बाद सियालकोट के अहदेदारान मिर्जा एजाज बेग सर्जन, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सियालकोट मियां नुमान याहिया, जिले सीनियर वाइस चेयरमैन सियालकोट सीनियर वाइस चेयरमैन ख्वाजा खलील भट्ट, जिले वाइस चेयरमैन ख्वाजा सईद भट्ट, मलिक फैजान प्रेस सेक्रेटरी ने खिताब करते हुए कहा कि इश्के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा तब सच होगा जब हम अपनी सारी जिंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सांचे में ढाल देना ही असल मोहब्बत है। दीन को लोगों तक पहुँचाना होगा, यही असल हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हम मोहम्मदी नजर आए। असल मोहब्बत का तकाजा यही है। मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और सियालकोट के अलावा डस्का के चेयरमैन कारी आयतुल्ला ने भी खसूसी शिरकत की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के आखिर में मुल्क कौम और पाक फौज के हक में दुआ की गयी। आने वाले मेहमानों को खसूसी लंगर भी तकसीम किया गया। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए मुसव्विर पाकिस्तान टीवी।